हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर जेड, वेलकम टू 32 टी डेंटिस्ट्री। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा SM फाइब्रो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के बारे में। पहले हम देखेंगे इसकी जो कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर होता है इंडिगो रेमेडी कंपनी से, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा सैम्पल है, बट जो इसका आइडल पैकेज आता है और इसकी प्राइसिंग ऐसी है कि एक बड़े पत्ते पे ये कुछ 20 कैप्सूल्स आती है और उसका प्राइसिंग रहता है 215 का, ठीक है। ये सैम्पल है, आज हम इसका देखेंगे रिव्यू। ये कैप्सूल कैसी रहती है ये देख लीजिए, ये ऐसी रेड कलर की कैप्सूल्स रहती है, ठीक है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है तो आप इजीली इसको पानी के साथ ले सकते हैं, एंड पैलेटेबल है, छोटा साइज है तो ईजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके कंटेंट्स क्या है, ठीक है। इसके कंटेंट्स यू है कि इसमें है लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, जिंक सल्फेट, इसमें कॉपर भी है, अल्फ़ा लाइपोलिक एसिड है, अल्फ़ा टोकोफेरॉल है, ठीक है। अब इसमें से जो ये बीटा कैरोटीन है, ठीक है, लाइकोपीन है, टोकोफेरॉल जो कि हमारा विटामिन ही है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। बाकी रहे जिंक सल्फेट, सेलेनियम, ठीक है, कॉपर, ये सब हमारे मल्टी विटामिन्स रहे, तो ये एक तरीके की मल्टी विटामिन कैप्सूल है। तो हम इस कैप्सूल को कहाँ कहाँ दे सकते हैं, हम दे सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में, एंड प्री मैलिग्नेंट लीजन वाले पेशेंट्स में, जो कि है हमारे OSMF, ल्यूकोप्लेकिया, लाइकन प्लानिस, ठीक है। क्योंकि इन सब में अल्सरेशंस होते हैं और ये पेशेंट्स को हमको एंटीऑक्सीडेंट देना पड़ता है, ठीक है, एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। और जब हम ये मेडिकेशंस देते हैं तो हमको टबैको चूइंग स्मोकिंग और जो भी स्मोकलेस और स्मोक वाले जितने भी फॉर्म है टबैको के, वो सारे बंद कराने होते हैं पेशेंट के, ठीक है। अब इंडिकेटेड कहाँ है, मैंने बता दिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, प्री मैलिग्नेंट लीजन्स, डायबिटिक पेशेंट्स में, और नॉर्मल इंडिविजुअल भी इसको ले सकता है, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है 18 साल से नीचे वाले बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में। अगर आपको फिर भी ये लेना है मल्टीविटामिन, तो आप अपने फिजिशियन से या डेंटिस्ट से इसके बारे में जानकारी लो, और जब वो प्रिस्क्राइब करे तभी लो, ऐसे नहीं लेना खुद से। अभी इसकी डोजिंग देखेंगे, इसकी डोजिंग ऐसी है कि जनरल, सबसे पहले जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है वो ले सकती है इसको मल्टीविटामिन केस पे, जिनको कोई डिजीज़ नहीं है बट वो ऐसे वीकनेस कम करने के लिए वगैरह ये लेना चाहते हैं मल्टीविटामिन, तो वो ये कैप्सूल एक ही ले, ठीक है, 2 से 3 महीने के लिए, दिन में एक ही कैप्सूल ले 2 से 3 महीने के लिए। एंड अगर ये प्री मैलिग्नेंट लीजन वाला पेशेंट है तो उनको हम ये प्रिस्क्राइब ऐसा करते हैं, हम इनको बोलते हैं दिन में 2 बार लेना है ये कैप्सूल, एक सुबह एक शाम में खाना खाने के बाद, ठीक है, फॉर 2 to 3 months। तो हम ये डोज जो है इसका आगे पीछे कर सकते हैं आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल प्रैक्टिशनर या आपका डेंटिस्ट, आप अपने खुद से इच्छा से इसको डोज नहीं कर सकते आगे पीछे एडजस्ट। अब इसकी हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। अगर इसमें आपको होता है हेडेक, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया लगता है या पेट दर्द होता है, तो आप इस मेडिसिन को तुरंत छोड़ दो, ठीक है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर अदर फेलो बैचमेट्स, सीनियर्स, अदर प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट, एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।